Welcome to Tanga Vendor Speech, the world of fashion. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। इस वीडियो में हम सभी बड़ी मशीनों का शटल लगाना, शटल चेंज करना और शटल की टाइमिंग सेट करने का सबसे और बिल्कुल आसान तरीका जानने वाले हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए पहले इस मशीन को हम पलट लेते हैं, साइड में ऐसे नीचे की तरफ गिरा लेते हैं। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम इस शटल को खोल के दूसरा शटल लगाएंगे ताकि आप शटल चेंज करना भी जान जाओगे, और उसके बाद हम शटल की टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेट करेंगे और सिंपल तरीका बताएंगे आपको जिससे आप बिल्कुल आसानी से सेट कर सकते हो शटल को, टाइमिंग वगैरह सारा कुछ ए टू जेड। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल के निकालते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हम इसको स्टॉपर को खोल के स्टॉपर को निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे खुलेगा, यहाँ से जो नट दिखाई दे रहा है आपको, इस नट को ऐसे खोलना है दोस्तों। आप भी ऐसे ही खोलना दोस्तों, ठीक है? चलो मस्ती मस्ती में सीखते हैं, ठीक है दोस्तों? मस्ती मस्ती में सीखने का मज़ा ही कुछ और है। पूरा ढीला करने के बाद नट को हाथ से पकड़ के निकाले। नट को निकालने के बाद अब हम स्टॉपर को बाहर निकालेंगे। इसको बोलते हैं स्टॉपर। स्टॉपर ऐसे नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए आपको शटल को ढीला करके शटल को थोड़ा अंदर करना पड़ेगा। शटल को ये तीनों नट ढीला करके इसको अंदर करना पड़ेगा। शटल में तीन नट होते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला नट। पहले हम इसको ढीला करेंगे। तीन नट होते हैं बड़ी वाली मशीनों के शटल में। एक नट ढीला हो गया, और दूसरे नट को ढीला करते हैं घुमा के शटल को। शटल को घुमा घुमा के नट को ढीला करना है, और टाइट करते समय भी घुमा घुमा कर टाइट करेंगे इसको। दो हो गए, अब इस तीसरे को खोलते हैं। एक बात का ध्यान रखना, इस नट को ज़्यादा ढीला नहीं करना है, इतना ढीला मत करना आपकी नट गिर जाए बाहर। अब ये हमारा शटल का तीनों नट ढीला हो गया है। अब शटल को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। इसको अंदर ऐसे दबा दिए, अंदर चला गया। अब ये हमारा स्टॉपर आराम से निकल जाएगा। देखिए निकल गया ना, ये भी नीचे गिर गया, देख लो आपके चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब क्या करेंगे, अभी शटल को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जो अंदर वाला शटल है ये जो घूम रहा है, ये जो खाली खाली सा हिस्सा है ना यहाँ पे, इसको अंदर की तरफ रखना। ये देखो खाली वाला हिस्सा अंदर तरफ हो गया ना, अब इसको आराम से निकाल सकते हो। शटल हमारा निकल चुका है इसमें से। अब हम इसमें दूसरा शटल लगाएंगे। ये देखिए, इसको इसमें ऐसे करके इसको लगाने के लिए, आप शटल को लगाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो, ये जो खाली वाला हिस्सा है, इस खाली वाले हिस्से को अंदर की तरफ रख के फिर शटल को इसमें लगाओगे तो आसानी से लग जाएगा। ये देखो, शटल को इसमें अंदर करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो पटरी के नीचे सुराग दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। ये देखिए, इस सुराग से हमारी सुई आती है। इस सुराग के पास हम शटल का इस वाले हिस्से को, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, इसमें एक कट सा बना हुआ है। इसमें हमारा ये स्टॉपर ऐसे फंसता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सुराग के पास लेके जाएंगे। ये देखिए, हमारा शटल का ये वाला हिस्सा जहाँ से हमारी नीडल आती है उसके बिल्कुल करीब आ गए ना, बिल्कुल सामने सामने। अब सामने सामने रख के अब हम इस स्टॉपर को फिट करेंगे ताकि शटल को हमारा पकड़ के रखे। ये इसको कैसे फिक्स करते हैं, ये देखिए, इस स्टॉपर में यहाँ पे एक नुकीला सा हिस्सा निकला हुआ होता है, ये हमारे शटल के इस वाले सुराख को पकड़ लेगा, जिसके कारण हमारे शटल घूमेगा नहीं अंदर वाला हिस्सा। क्योंकि दोस्तों हमारे शटल का अंदर वाला हिस्सा नहीं घूमता है, सिर्फ बाहर वाला हिस्सा घूमता रहता है। तो देखिए अब कैसे लगाना है इसको। इस स्टॉपर को हम यहाँ रखेंगे इसके अपने असली जगह पे, जहाँ का ये रहने वाला है। अब इस स्टॉपर में नट लगा कर टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज छोड़ना है आपको, बिल्कुल हल्का सा लूज छोड़ना है। और लूज छोड़ के फिर नीचे आपको चेक करना है यहाँ पे। ये जो हमारा स्टॉपर में यहाँ नुकीला सा धागा निकला हुआ है, इसको और जो हमारे शटल के अंदर वाले हिस्से में जो गड्ढा ये बना हुआ है, इस गड्ढे में दोनों को सेट करेंगे। देखिए कैसे सेट है, बिल्कुल ऐसे ही दोनों को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों हम मशीन के चक्के को घुमा के सुई को नीचे लेके आएंगे। ये देखिए हमारी सुई नीचे आ गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आपकी नीडल अंदर आई है
तो जो गड्ढा बना हुआ है मतलब होल जो है, इस होल के बिल्कुल सेंटर में हमारी निडल होनी चाहिए। अगर निडल सेंटर में नहीं है तो आप इसको यहाँ से ऐसे देखो, इस स्टॉपर को ऐसे ऊपर नीचे करके इस निडल को बिल्कुल सेंटर में कर लेना। अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपका शटल भी साथ साथ ऊपर नीचे होगा। ये देखिए ऐसे हो रहा है ना, फिर ऐसे ही आपको ऊपर नीचे करके बिल्कुल सेंटर में करके फिर इस नट को टाइट कर देना है अच्छी तरह से। अब दोस्तों हमारे नीचे का सारा काम ओके हो गया है। अब हम मशीन को सीधा करेंगे और सीधा करके जो भी काम बचा है उसको पूरा करेंगे। देखना कैसे करते हैं ऊपर से सेटिंग। ये हमारी मशीन सीधी हो गई। मशीन को सीधा करने के बाद इस पटरी को, प्लेट को साइड करेंगे। अब इस पैर को भी खोल लेंगे। पैर को खोलने के बाद सुई को ऊपर करेंगे निडल को। अब इस चांद वाली पटरी को खोल लेंगे, इस पटरी को। अब इस पटरी को खोलने के बाद अपना मेन काम चालू होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे क्या, टाइम एडजस्टमेंट, शटल टाइमिंग एडजस्टमेंट। दोस्तों मैं इस दांत को भी खोल लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आप चाहो तो बिना खोले भी सही कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ओके, डू यू अंडरस्टैंड मेरे भाइयों? और हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो के नीचे कि सर भाई साहब मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर बताते हैं कि ऐसी वीडियो बनाओ। आप लोग ऐसा करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज वगैरह वीडियो वगैरह भेज देना, जो भी मशीन में दिक्कत हो, जो भी चीज़ हो, फिर मैं अच्छे से समझ के वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ऐसे बिना देखे बिना कुछ समझे वीडियो नहीं बना सकता ना, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ठीक है, आप लोग मेरा क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, और आप जाके सर्च कर लेना मेरे चैनल नेम से। दांत भी खुल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। पहले तो आप चेक कर लेना ये जो शटल के नट होते हैं तीन, कहीं आपने इसको टाइट तो नहीं कर दिया। अगर टाइट कर दिया तो इसको ढीला कर लेना तीनों नट को। और ढीला करने के बाद आप यहाँ पर पहले देखना, पहला काम हमारा यहाँ पर होता है सेटिंग का, ये जो गैप है ना, गैप नहीं होना चाहिए, इसको अंदर कर देना। आप इसको ऐसे मार के हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके, ये देखो ये हो गया ना पूरी तरह, दोनों आपस में ज्वाइंट हो गया ना। अब हमारा शटल का ये अंदर वाला हिस्सा नहीं घूमेगा, क्योंकि ये नहीं घूमता है, सिर्फ हमारा शटल का ऊपर वाला हिस्सा घूमता है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ घूमता है, अंदर वाला हिस्सा नहीं घूमता है। अब दूसरा काम क्या करना है इसमें, आपको सुई को नीचे लेके जाना है इस सुराख के अंदर जो होल दिखाई दे रहा है आपको, और देखना है कि आपकी जो निडल है इस होल के बिल्कुल सेंटर में जा रही है कि नहीं, कहीं टच नहीं होनी चाहिए, ना इस साइड ना उस साइड ना उस साइड ना इस साइड, चारों तरफ में किसी साइड भी टच नहीं होनी चाहिए हमारी निडल। उसके हिसाब से देख लेना आप, अगर टच हो रही होगी किसी साइड तो हल्का सा शटल को इधर उधर करके एडजस्ट कर लेना। ये दूसरा काम हो गया। अब हमारा तीसरा काम होगा इसमें टाइमिंग सेटिंग का, जो सबसे मेन होता है, और उसका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो हमारी सिलाई मशीन की सुई है, यहाँ आपको सुराख दिखाई दे रहा होगा सुई में, इस सुराख से 150 ऊपर हम शटल के हुक को सेट करेंगे। वो कैसे, अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप शटल की टाइमिंग बिल्कुल आसानी से सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा शटल है और जो शटल का हुक है इसको सुई के बराबर ला के रोकना है, नीचे से ऐसे पकड़ के सुई के बराबर ला के रोकना है। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, हुक का कोना इस निडल से टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा मात्र बिल्कुल हल्का सा गैपिंग होना चाहिए, और गैप रख के आपको मशीन के चक्के को घुमाना है, और घुमाते हुए सुई को ऊपर लेके जाना है, फिर सुई को नीचे लेके आएंगे। और जैसे ही हमारी सुई ऊपर आने लगेगी, जो हमारा सुई का सुराख होता है उस सुराख को ये हमारे शटल के हुक से 150 नीचे ही रोक लेना है, और रोक के इस शटल के तीनों नट को, सारे नटों को टाइट कर देना है। नट को टाइट करते समय दोस्तों अब ध्यान रखना, आपकी ये सेटिंग हिलनी नहीं चाहिए, और फिर एक एक करके तीनों नटों को टाइट कर लेना है। बस हमारी शटल की सेटिंग दोस्तों हो गई। अब हम चला के दिखाएंगे आपको, चला के भी दिखाएंगे, टेंशन ना लो। पहले सारा कुछ पटरी वगैरह पैर वगैरह सारा कुछ लगा लेते हैं, फिर चला के दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये दोस्तों हमारा सारा कुछ सेट हो चुका है, पैर पटरी वगैरह। अब हम इसके अंदर बॉबिन डालेंगे, बॉबिन डाल के चेक करेंगे कि हमारा सिलाई मशीन नीचे से धागा पकड़ रहा है कि नहीं। नीचे बॉबिन लगा लिया, अब इस सुई में धागा डालेंगे और चेक करेंगे हमारी सिलाई मशीन नीचे से धागा पकड़ रही है नहीं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी निडल गई नीचे और नीचे से आई ऊपर, साथ में लेके आई धागा, यानी धागा पकड़ने लगी है, देखिए। अब दोस्तों हम सिलाई करके चेक करते हैं कि हमारी सिलाई मशीन कहीं टाप तो नहीं मार रही है, यानी सिलाई छोड़ छोड़ कर तो नहीं आ रही है। सारा कुछ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं चला के ही।
ये देखिए सिलाई हो रही है, ये सिलाई हो गई, ये देखिए सिलाई, देखिए कितनी मस्त सिलाई आ रही है ना, आ रही है दोस्तों इतनी मस्त सिलाई। तो दोस्तों आप ऐसे ही किसी भी बड़ी सिलाई मशीन का शटल ऐसे ही आसानी से सेट कर सकते हो, समझे क्या? अगर समझ गए तो कमेंट करके बता देना, और नहीं समझे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। स्टिचिंग, कटिंग, प्रिपेयरिंग, लर्न ऑल स्किल्स ओनली ऑन सांगम इंडस्ट्रीज। सब्सक्राइब नाउ।